A very warm good morning, all my lovely children. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu Biotronic, I welcome you all to today's very important, interesting session, the NEET 2021 Rank Boosters Evolution. We will have, right in the beginning, let me tell you, we will have one more rank booster on Principles of Inheritance and Variation. And yes, there is going to be a rank booster on the very important topic, Molecular Basis of Genetics. So good morning everyone, welcome to the NEET 2021 Rank Booster super awesome series. Yes, the t-shirt is very much available today, like very much available, so you all can be getting the t-shirts if you perform super awesome in today's session, which we have just now started. So chaliye shuru karte hain NEET 2021 ka rank booster evolution ke main aapko sare previous year questions karwane wali hu. Agar aap dhyan dein to evolution ko board exam se hata diya gaya hai, but we have absolutely no idea about it for NEET point of view. Yes, तो ये चैप्टर मैंने आपको थ्योरी में भी करवाया है और इसीलिए इस टॉपिक का रैंक बूस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट मैस्कॉट्स, स्टार्ट करें. शाम को मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवाने वाली हूं. ये वाली क्लास कल नहीं हो पाई थी बिकॉज इंटरनेट वॉज डाउन फ्रॉम गूगल एंड यू नो द एंटायर प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल वॉज डाउन, यूट्यूब वॉज डाउन, तो हम ये कल नहीं कर पाए थे. बट येस, NCRT marking of biological classification followed by the test is there tomorrow sharp at 5 PM. Not today sharp at 5 PM, right everybody? Google auntie, sahi na ji? Bilkul sahi bol rahe ho aap, right? So, aur ye hamara Menti marathon hai, which is going like wow, like actually this marathon, right? Menti marathon. So, Menti marathon mein kal humne kya tha? Water pollution. Did we do the theory? Yes, ma'am. Did we do the MCQs? Yes, ma'am. राइट, हमने सारी थ्योरी करी थी, हमने सारे एमसीक्यूज करे थे. यस मैम, बिल्कुल. तो आज हमारा मेंटी मैराथन है एंड हम करने वाले हैं आज के मेंटी मैराथन में एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल इन वन शॉट, कंप्लीट वन शॉट. बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी क्योंकि एनसीईआरटी के पेजेस आएंगे, सारे वन मार्क क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी, एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. कल वाटर पोल्यूशन किया था, उससे पहले बायोडायवर्सिटी किया था, उससे पहले नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स किए थे. आज करने वाले हैं हम एयर पॉल्यूशन. सुबोध्या, पूजा जी, आपको भी गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. यू वांट टू गेट इन टच विद मी, यू हैव टू गो टू दीज टू प्लेसेस. इंस्टाग्राम, माय ऑफिशियल यूजर नेम इज वानी अंडरस्कोर वेदांतु. तो इंस्टाग्राम पे जाइए, वानी अंडरस्कोर वेदांतु, एंड यू कैन फाइंड मी देयर. एंड मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस चैनल, बिकॉज यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है. वानी अंडरस्कोर वेदांतु एंड बायोटॉनिक फॉर नीट. यस, योर ऑफिशियल ID, the new official ID, the old channel will be deleted today. तो अगर आप सब old channel पे हैं, उसको छोड़ दीजिए. Just leave the old channel. You just have to come to one channel. And what is the name of the channel? Biotonic for NEET. Done everybody? इसको एक बार copy कर दीजिए please. Just make sure that you are aware of this. And make sure that each one of you is liking, each one of you is sharing, each one of you is subscribing to our super awesome channel. ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये है हमारे बायोटॉनिक, पुराने वाले में 70,000 मेंबर्स हैं. लोग 10 बार सोचेंगे, बट बिकॉज देयर आर नो सेफ्टी फीचर्स इंटैक्ट एंड बिकॉज माय किड्स कैन बी हरास्ड, आई एम गोइंग टू डिलीट दैट ग्रुप टुडे एंड इट्स ओनली गोइंग टू बी दिस ब्रांड न्यू ग्रुप वेयर यू कैन गेट इन टच विद मी, रेगुलर डिस्कशंस, पोल्स. फिर आप मुझे वो प्यारा सा क्यूट इनोसेंट सा मैसेज भेजते हो, क्या वानी मैम हो, और मैं हमेशा एक वीडियो रिकॉर्ड करके स्माइल करके भेजती हूँ. हाँ जी, मैं ही वानी मैम हूँ, वानी मैम का भूत नहीं है, मैं ही हूँ. राइट, तो वो मैं भेजने वाली हूँ. बट गाइस, बिफोर आई बिगिन, मैं आपको फिर से हमेशा की तरह कुछ दिखाना चाहती हूँ. मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोगों के अंदर की वो यू नो अंतरात्मा की आवाज को जगा सकूं. मुझे म्यूजिक मेरा म्यूजिक का टेस्ट अच्छा नहीं, क्योंकि मुझे बचपन में कभी टाइम ही नहीं मिला. यू नो आई वॉज अ लिटिल स्टूडियस काइंड ऑफ अ बच्चा, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान वाला, तो मेरे को कभी सिंगिंग डांसिंग इन सब चीजों में कभी रुचि नहीं आ पाई बिकॉज आई नेवर हैड द टाइम टू इंडल्ज. अब मेरा बहुत मन करता है कि काश यू नो यू ऑल्सो कुड सिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पता नहीं. यस, मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिला, बट आई एम अ म्यूजिशियन नाउ. I am I feel myself as a musician. I feel myself as a lead orchestrator, if that's a word. You know why? Because my job as a teacher is to awaken possibility in you.
इज टू मेक श्योर कि आपके अंतरात्मा से वो आवाज आ जाए, यार यू कैन डू दिस, सीएचओ मेरा बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ईशिता, तृप्ति, पंकज, राजू, साक्षी, रुपिंदर, आलू, हर्षिता, ऑल ऑफ यू कैन बिकम डॉक्टर्स. माय जॉब राइट नाउ इज ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिशियन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज व्हेन आई डू लाइक दिस, यू नो लाइक हाउ म्यूजिशियंस डू लाइक दिस एंड एवरीबॉडी प्लेज अ पर्टिकुलर नोट, आई हैव टू अवेकन द पॉसिबिलिटी इन यू. आई सी यू सिटिंग लाइक दिस ड्रीमिंग, दैट्स यू नो, मैं सारा दिन ये सोचती रहती हूँ, फुल डे आई कीप सिटिंग एंड थिंकिंग कि बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अब बच्चों को क्या चाहिए, व्हाट आर द किड्स थिंकिंग, यू लाइक दिस एंड आई वॉन्ट यू टू बिकम like this, absolutely limitless. So from this position where you know you're thinking ab kya hoga, from this position of despondency, from this position of I don't know what will happen, future mein kya hoga, board exams honge, I want you to become like this, absolutely limitless. That's my job guys, I want you to become limitless, like there is absolutely no stopping. ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रोक सके इस दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बच्चों को यू नो, जो आप हासिल करना चाहो और आप ना हासिल कर पाओ, ऐसा इस दुनिया में कुछ नहीं है. यू ड्रीम एंड आई वॉन्ट टू इम्पावर यू सो मच, आई वॉन्ट टू बी दैट रॉक, आई वॉन्ट टू बी दैट वॉल बिहाइंड यू दैट यू थिंक एंड यू कैन अचीव. दिस वर्ल्ड विल बिकम योर प्ले स्टेशन गाइज, आई वॉन्ट यू बिकम द फाइनेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, आई वॉन्ट यू टू बिकम द फाइनेस्ट, you know, neurosurgeons, the finest cardiac surgeons, the finest doctors, medical practitioners, boys and girls that this world can see. I want you to become like this. You open your arms to limitless. I want you to be like this. And we will do it. We will do it. Promise me, I will leave no stone unturned. We Biotonic will leave no stone unturned to make you look like this. From this ki kya hoga, look at the body language, from this ki ab kya hoga, ab mere saath kya hone wala hai, to unlimited possibilities, we are together in this, we are going to be doing it, the NEET exam is there, aur jo bhi challenge hai na is exam ke, ab aap un challenges ko identify karo, main hamesha hi keh rahi hu, un challenges ko identify karna mera kaam nahi hai, physics challenge hai, करो आइडेंटिफाई, और क्या करना है फिर वो करो. केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैलेंज है, फिजिकल केमिस्ट्री चैलेंज है, इलेवंथ की बायो चैलेंज है, बॉटनी चैलेंज है, जो भी चैलेंज है उसको आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो. करो मुझे प्रॉमिस कि मैम करेंगे, डन, प्रॉमिस, लेजिट लिट, यू विल बी ऑन फायर. और जो भी रुकावट आएगी ना, उस रोड ब्लॉक को अब आपने तोड़ देना है, छोड़ देना है, उस रोड ब्लॉक को पार करना है, प्रॉमिस. चलिए, सो फॉर दिस We will move to our rank boosters for today. ये रहा हमारा rank boosters for evolution. 8051882. But you will identify the roadblocks and you will destroy the roadblocks. It's going to be easy. कितने बच्चों की performance में रोज quiz करने के बाद performance improve हो रही है मुझे बताओ. मेक अ हार्ट देयर, कितने बच्चों की परफॉर्मेंस रोज क्विज करने के बाद इंप्रूव हो रही है, क्योंकि हम रोज क्विज कर रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस मैम बहुत अच्छी होती जा रही है, आई एम गेनिंग कॉन्फिडेंस, आई एम मूविंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मैम, बहुत परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई है मैम, अब तो बस मुझे लग रहा है दैट आई विल बी एबल टू डू इट, इस साल में कर लूंगी मैम हासिल, I will be able to overcome all hurdles, ma'am. We will do this. But beta, bio ke ilawa jo hurdle hai, usko aap log puri tarah destroy kar do. Bio mein main aapko 10-10 rank boosters karwa kar sari problems ko overcome kar dungi. Yes? Chaliye. Let's get started, guys. 8051882. 8051882. Chaliye aaiye. Quickly. तो आई विल शो यू हाउ वी डू इट. प्लीज गो टू menti.com. उदित क्विज ओपन होगा. अच्छा मेंटी सेंटी हो रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो. आप देखो आइए,
चले बच्चों, स्टार्टिंग इन 5, ऑल 700 ऑफ यू जॉइन फास्ट क्विक, 4, 3, 2, quickly. पहले मैं used to be over 100, but now 50 की range में. Welcome भावना. कितने बच्चे first 100 में regularly आने लग गए हैं, guys. मैं आपको first 500 all India rank तक सोच रही हूँ. आप 100 of V Biotonic की बात कर रहे हो. We are going to do it, guys. I promise it you. But लिमिटलेस बनना है, और लिमिटलेस बनने के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है गाइस, मैंने कल भी कहा था इनडिसाइसिव नहीं होना. अगर लग रहा है फिजिक्स प्रॉब्लम है यार, ले लो फिजिक्स का क्रैश कोर्स, 120 सेशन, 30 रुपए दिन के. इनएक्शन मत करो, इट इज बेटर दैट यू टेक एक्शन एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया लेवल टेस्ट हियर. वी स्टार्ट इन 5, वी स्टार्ट इन 4, वी स्टार्ट इन 3, वी स्टार्ट इन 2, 1, राहु केतु से लड़ाई करनी है अभी हमें. एंड स्टार्ट द काउंटडाउन. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. चलिए, एन एग्जांपल ऑफ कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज, यू टॉकिंग अबाउट कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन. एंड गाइस, मेक श्योर यू लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग. कॉन्वर्जेंट, हॉक मॉथ एंड द विंग्स ऑफ हॉक्स, टीथ ऑफ डोमेस्टिक डॉग, टीथ ऑफ अ वुल्फ, विंग्स ऑफ गॉस्पीजा मिग्निस्टोरिस एंड विंग्स ऑफ गॉस्पीजा फोर्टिस, none of the above. चलो, और ऐसे क्वेश्चन में ढूंढ के लाती हूं ना जो कहीं पे किसी भी जगह रिपीट नहीं हो. कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, आपने आज तक ये जियोस्पीजा के बारे में तो सुना ही नहीं है, फिर क्यों आंसर किया? जो मुश्किल लग रहा है आंसर कर दो, यही होगा. इतनी पिट्टी खाओगे अभी देखना. कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बेटा इंसेक्ट्स के पास भी विंग्स होते हैं, बट इंसेक्ट्स के विंग्स जो है वो अपेंडेजेस होते हैं. बर्ड्स के पास भी विंग्स होते हैं, पर बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ द फोर लिम, बट बोथ ऑफ देम हैव विंग्स. They are of different types, but wings. It is the opposite of homologous. It is called analogous. Hawk moth एक moth है, और hawks birds है. Moth एक insect होता है जो night blooming flowers को attack करता है. Right everybody? Mentee join हो रहा है बेटा, एक बार अपनी तरफ से refresh कर लो. Mentee.com पे चले जाओ. 8051882. Well done. And that's the answer question number 1. We move on to question number 2 on your screens, please. Nice background of the mentee. Question number 2 start कीजिए मेरे बच्चों. AIIMS 2001, which of these are considered most essential in the origin of life? Proteins, carbohydrates, nucleic acids, enzymes. Which of the following has the property to replicate? Eyes open कीजिए, ध्यान से question को देखिए. The best students in the country are Biotonians, and I have absolutely no qualms in saying that. Niharika, Jaiwal, Varsha, Deeksha, this is well done. Nucleic acid, especially RNA. RNA has got catalytic properties. RNA has the ability to replicate, right? Which is known as RNA to RNA. RNA has an ability to form DNA by reverse transcription, and RNA can form proteins. Well done, ma'am. Itni tarif. Ab kya kare? Apne bachcho ki tarif to sab karte hain. Yes sir, मेरे पास parents आते हैं, हमारा बच्चा तो बहुत intelligent है, इसके अंदर potential है, तो मैं अपने बच्चों की तारीफ ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, क्वेश्चन नंबर 3. AIIMS 2001, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सीवॉल राइट इफेक्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट, यस प्रेरणा, यस वाणी. जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां ऑपरेट करता है बताओ? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां ऑपरेट करेगा बेटा?
सी वॉर राइट इफेक्ट, स्मॉल पॉपुलेशन, आइलैंड पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, इनमें से कोई भी पॉपुलेशन नहीं है. बायोटॉनिक पॉपुलेशन, अगर लिख सकते ना तो पता नहीं क्या क्या लिखकर आते हैं ये नॉटी बायोटोनियंस. Yes, everybody, small isolated populations में affect करते हैं genetic drift. Small isolated populations, जहां भी population small होगी वहीं पर genetic drift काम करेगा. अगर population large होगी तो number को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Small isolated populations में अगर 100 लोग हैं सिर्फ उस population में और 80 की death हो गई तो obviously gene pool तो कम हो जाएगा. Well done, well done. Next question. The cranial capacity was largest among. सबसे ज्यादा cranial capacity किस में होती है? ये question मैं आपको चार बार करा चुकी हूं. Neanderthal man, African man, Java ape man, Peking man, which was, Peking is a place in China. So that person who was discovered, the skeleton which was discovered from there, we call it the Peking man. It was the Neanderthal man. The largest cranial capacity. Tausif, how can you join menti.com? All of you go to www.menti.com. Please go to www, it's written here on the slides, menti.com. एक और विंडो ओपन कीजिए, वहां menti.com डालिए, वहां पर जाकर कोड डाल दीजिए 8051882. अगला सवाल, 1400 क्यूबिक कैपेसिटीज. क्वेश्चन नंबर 5, एम्स 2003. रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक से, रेगुलर क्वेश्चंस. द अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो में क्या होता है? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, वॉन बेयर्स लॉ. Ontogeny repeats phylogeny, von Baer's law. Sab kuch mila. Eyebrows, early stage. External ear pinna, gill slits, gills. Do options mein confuse mat hona, Biotonians. Come on, Shakambhuri Savant, Vaishnavi, Auma, Arpit Patel, Devanjan Datta, Sneha Karande, Bibhati, Sahina, Sakshi, Naveen. And I want the right answer. No confusion, no confusion. Well, gills nahi honge beta. We are not equating. तीन लाइंस होंगी एम्ब्रियो में जिनको हम गिल स्लिट्स कहते हैं. तो अगर ऐसा एम्ब्रियो होगा तो इसके पास यहां पर तीन लाइंस होती है जिनको गिल स्लिट्स कहा जाता है. ये वही गिल स्लिट्स हैं जो आगे चल के मैक्सिलरी, मैंडिबुलर और ऑप्थाल्मिक तीन रीजन्स. ये आगे चल के आईज का रीजन बनाएगी ऑप्थाल्मिक, ये आगे चल के मैक्सिलरी रीजन बनाएगा एक गिल स्लिट्स, और ये आगे चल के मैंडिबल डेवलप करेंगी. गिल स्लिट्स की जैसे होते गिल्स नहीं हो सकते इन द एम्ब्रियो. Right, everybody? Well done. This is a law which is ontogeny repeats phylogeny. The human heart also, they say, is first one chamber, two chamber, three chamber, four chamber. Von Baer's principle, modified by Ornus Faecalis, ontogeny repeats phylogeny. Well done. Question number 6 on your screen. No mistakes. Go to menti.com. A baby has been born with a small tail. Humne kal iske baare mein baat ki, retrogressive. What is it? Retrogressive. Evolution को क्या कहा जाता है? It is not retrogressive. इसके लिए एक word होता है कि जब ancestor के characteristics आ जाएं. महेश आपने गलत मार्क कर दिया है. जब ancestors के characters आ जाएं, उसको क्या कहते हैं? There is a word that we use for it. क्या ancestor के characters हमने ले लिए? क्या कहेंगे हम उसको? जब मैंने एंसेस्टर के कैरेक्टर्स ले लिए तो मैं उसको क्या कहूंगी? वेल डन, आई एम गोइंग टू कॉल इट एटाविज्म. व्हाट विल आई कॉल इट? एटाविस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एनी कैरेक्टरिस्टिक विच यू टेक ऑफ द ओल्डर जनरेशन. आज तो आप बहुत अच्छे से पढ़कर आए हो यार. दिस इज द रियल आंसरिंग, इससे फायदा होगा. This is the real answering. आपको पता है मैं आपके लिए वीक में दो बार कॉन्सेप्ट लेक्चर्स लेकर आ रही हूं लेट्स क्रश इट क्रैश कोर्स में. तो मैं सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करके उसका मेंटी कराऊंगी. इट इज रेफर टू एस एटाविस्टिक कैरेक्टर्स. देवियांशु, आज तो मुझे लग रहा है आपको टी शर्ट मिल ही जाएगी. यस, रेट्रोग्रेसिव का बेटा देखो ये कैरेक्टर पूछ रहे हैं. ये केस एटाविस्टिक कहलाता है. रेट्रोग्रेसिव होता है यूजुअली जब डेवलपमेंट हो रही है तो कोई पुरानी जनरेशन का कैरेक्टर
दिख जाए. वाओ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय बायोटोनियंस टुडे, वेरी वेरी प्राउड. लिमिटलेस बायोटोनियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज. पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, व्हाट इज इट? स्टेम एंड रूट. स्वीट पोटैटो आइपोमिया बटाटास, सोलानम ट्यूबरोसम. दे आर डिफरेंट. दिस इज सोलानम ट्यूबरोसम, दिस इज आइपोमिया बटाटास. रतालू, व्हाट इज द डिफरेंस? Have edible parts which are the same homologous organs, have edible parts which are analogous organs, have been introduced in India from the same place. Potato came from Spain. Are two species of the same genus? Are they same genus? I told you Solanum tuberosum. I told you Ipomia batatas. Sweet potato. What is it? Deja vu question. Yaar, maine sare questions deja vu karane. They are analogous because potato is stem tuber. Sweet potato is root tuber. इट इज अ ट्यूबर. मैंने आपको अभी एनालोगस ऑर्गन्स कराया. एक के अंदर विंग्स अपेंडेजेस हैं, एक के अंदर विंग्स फोरलिम की मॉडिफिकेशन है. दो अलग अलग चीजें हैं, बट ट्यूबर का फॉर्म ले रही है, स्टार्च को सेव कर रही है. एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है, एक रूट की मॉडिफिकेशन है. तो एक स्टेम ट्यूबर है, एक रूट ट्यूबर है. राइट एवरीबडी? चलो, प्योर मैम ने बोला क्वेश्चन नंबर 8. होमो सेपियंस का मतलब क्या हुआ? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस. Come on, quick. Homo sapiens implies human race, human beings, modern, and none of these. It's a good question. It's a very nice question. Human race. Actually, आपको मैं एक बात बताऊं? It doesn't mean human being. Race. मैंने आपको उस दिन भी बोला था बेटा, races होती हैं. Somebody is a Negroid, some is an Asian, some is a Mongoloid, some is a Caucasian. मैंने आपको बताया था, सुनते तो हो नहीं. Races. फिर मैंने आपको बताया था racial word वहीं से आया, क्योंकि अलग अलग रहे. आज के तीनों टॉपर्स को टी-शर्ट मेरी तरफ से. डन. बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. आज तो मैं सारे बच्चों को देखो, बिकॉज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. आज तो दिल जीत लिया है. पर बेटा आपको पता, एक बात बताओ, एक कई लोग होते हैं, मैंने आपने भी जिंदगी में देखे होंगे, मैंने भी जिंदगी में देखे, उनको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू. क्या कहते हैं एक बार बताओ जरा? अपने मुंह मिया मिट्ठू. मतलब ये तो बेस्ट टीचर है, हम तो बेस्ट टीचर है, ये तो बड़े अच्छे हैं, हम भी. अरे मतलब इट इज लाइक यस, अपने खुद ही. मैं ऐसा होते ना, सब लोगों की फैमिली में एक दो लोग होते हैं, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया, मैं तो ये, मैं तो वो. बहुत होते हैं अपने मुंह मिया मिट्ठू. होते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल होते हैं. तो होमो सेपियंस क्या है? ये जिसने भी नेम दिया ना, नेम जिसने भी होमो सेपियंस नाम दिया, वो क्या था? अपने मुंह मिया मिट्ठू. क्यों? कौन बताएगा मुझे क्यों? कौन बताएगा? सच बता दो क्यों? क्योंकि इसका असली में पता है मतलब क्या होता है? वाइज वन. पर काम कैसे कर रहे हैं सारे? काम कैसे कर रहे हैं? अनवाइज. डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है, एयर पोल्यूशन कर रहा है. इसमें खुद का नाम दिया है वाइज वन. राइट? वाइज. काम कैसे कर रहा है? सेल्फिश वाले काम कर रहा है. इसका मतलब होता है वाइज, द वाइज वन. बट काम विजडम वाले बिल्कुल भी नहीं है. तो जिस भी साइंटिस्ट ने नेमिंग की है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो अपने आप को ही, होमो सेपियंस को ही उन्होंने वाइज वन कह दिया. ऐसा नहीं कि सारे बर्ड्स आए और बर्ड्स ने बोला होमो सेपियंस आप बहुत वाइज है, बहुत लायन टाइगर आए, सबने बोला होमो सेपियंस यू आर वेरी वाइज. नो. खुद को वाइज बोल दिया यार, हम तो बहुत वाइज है. यस एवरीबडी. सो आई थिंक दिस होमो सेपियंस नीड टू रोस्ट देमसेल्व्स. राइट एवरीबडी? चलिए. ओके निकुल, गेट बैक इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम. एम्स 2007. विंग्स ऑफ पिजन, मॉस्किटो एंड बैट. पिजन के पास भी विंग्स है, मॉस्किटो के पास भी है, बैट के पास भी, एवीज के पास भी, इंसेक्टा के पास भी, मैमिलिया के पास भी. डाइवर्जेंट एटमिज्म, कॉन्वर्जेंट, ऑल ऑफ दीज. Please close your eyes, Biotonians. ये तो मेरा favorite dialogue है. Close your eyes, Biotonians, and answer this question. Feel आ जाएगी आपको ये question करने के बाद. Yes, everybody, it is the
कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन कॉन्वर्ज कर रहा है. यस एवरीबडी, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज. होमो इरेक्टस कब इवॉल्व हुआ? होमो इरेक्टस कब इवॉल्व हुआ? प्लिस्टो मियो प्लियो होलो प्लिस्टोसीन. डन. यस, टॉपिक ऑफ टुमारोज टेस्ट. टुमारो वी आर गोइंग टू बी डूइंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. डन. और उसके बाद मैं आपको एक या दो दिन सुपर कॉन्सेप्ट करवाने वाली हूं, लाइक 20 कॉन्सेप्ट विच विल मेक योर फाउंडेशन सुपर स्ट्रॉन्ग. Yes, यार आप टेंशन मत लो. आप टेंशन लेते हो ना, दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वी बायोटॉनिक. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि हम टेंशन ले रहे हैं. दो लोग टेंशन लेके क्या करेंगे? या तो आप टेंशन ले रहे हो, मैं छुट्टी चली जाती हूं फिर 15 दिन की, आप टेंशन मेंशन लेके बैठ जाओ. अगर हम आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप टेंशन नहीं लो, आप सिर्फ पढ़कर आओ, टेस्ट दो. एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ यहां पर, गिव मी 10 seconds, जस्ट 10 seconds. आप ये देखो जरा, इधर आओ जरा, ठीक है? तो आप इधर जाओ हमारी प्लेलिस्ट पे, ये तो मेरा लेक्चर चल रहा है, आप इधर आ जाओ जरा, ठीक है? और ये देखो क्लास 12 की प्लेलिस्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. 1,00,000 व्यूज हो चुके हैं. मैंने एम्ब्रियो सैक इतने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. यहां पर पढ़ना ये लेक्चर, ये पूरी प्लेलिस्ट देखो बेटा, क्या लैक ओपेरॉन, क्या क्या चीज, ये पूरा कल देख कर आना. ये देखो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट के इंडिविजुअल लेक्चर बनाए हैं मैंने, हर्षी चेस का एक्सपेरिमेंट, वॉटसन क्रिक का मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल, क्विज करवाए हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए करवाए, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेसनसन स्टाल एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी, आप देखो आईओ कर रहे हो अभी. Yes, everything I have taken a lecture. आप बस घर जाकर इसको देख के prepared आओ. अब आपने देखो nucleic acids. Yes, मैंने आपको evolution, human health and disease, microbes, biotechnology, everything, ecology, एक एक चीज आपको कराई है. All India test series देखिए, rank boosters देखिए, menti marathon देखिए, देखो और घर से पढ़कर आओ. और मुझे ये चाहिए, मुझे ये सीट चाहिए इस के चक्कर में. यू हैव सीन ऑल द लेक्चर्स, लवली. इसके लिए जो भी लगता है वी आर डूइंग इट, प्रॉमिस करो. डन. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का रैंक बूस्टर, मॉलिक्यूलर के बाद मैं एक और स्पेशल रैंक बूस्टर ले लूंगी, जो भी लगता है गाइस. और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बता दूं, अगर आप 12th में हैं, आप 12th में, 12th खत्म हो गई है, राइट? तो अगर आप 12th में हैं और 12th खत्म हो गई गाइस, आई रियली वॉन्ट यू टू जॉइन दिस. मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, आप मेरी बात सिर्फ इसलिए सुनो बेटा, 7,000 रुपए में अगर मैं आपको 7,000 रुपीज में 120 सेशन बेच रही हूँ, जिसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चार टीचर है, आप 7,000 को चार लोगों से डिवाइड करो तो बेटा 2,000 रुपए भी एक टीचर के बस में नहीं आएंगे. आपको लगता है मैं टीचर को बोलूंगी तुम 2,000 रुपए लो और सिस्टम लो और क्लास लो, राइट? तो प्लीज इसको ऐसे मत सोचो यार हम यहाँ कोर्स बेच रहे हैं. नहीं, 7,000 रुपए में क्या आएगा इंक्लूडिंग जीएसटी? टीचर को 2,000 रुपए पकड़ाऊंगी, भाई तुम क्लास ले लो, बताओ जरा, तुम 120 सेशन ले लो और मैं तुम्हें 2,000 रुपए दूंगी, कौन सा टीचर मानेगा? बट गाइस, अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है, राहु केतु को बस में करना है, डू. मैं ये नहीं कह रही ये कोर्स लो, कुछ भी करो पर करो. और अगर आपको सेशंस ऐसे चाहिए, यू नो, जहां आपके रेगुलर सेशंस होते हैं, तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो एंड बाय दिस कोर्स. और यहां पर आप कोड डाल सकते हो, जो एक स्पेशल कोड है जिसका नाम है VDMEAN. और जब आप ये अप्लाई करते हो तो आपके लिए ऑफ हो जाता है वो कल का कोर्स, सीट्स फुल हो गई बेटा. मैंने आपको पहले कल बोला था कि सिर्फ 10 या 15 सीट्स बची थी, वो कोर्स कल शुरू हो गया ना, तो सीट्स फुल हो गई. पर मैं वीकेंड पे इसको दोबारा ऑफ करवा दूंगी. अभी VDMEAT कोड से ये है, जो अगर आप ये कोड लगाते हो VDMEAT, तो आपके 2,000 रुपीज ऑफ हो जाते हैं. इस कोड से आपके 2,000 रुपीज ऑफ हो जाएंगे. तो आप ये कोड एक बार अप्लाई करके जरूर सोचना, बिकॉज डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा. चलो अब हम लास्ट के 15 क्वेश्चंस फुल स्पीड से करते हैं, राइट पंकज जी?
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम. ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 और हम देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स इज रिलेटेड विद. बेटा डार्विन ने कहा, जो भी डार्विन ने कहा उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए जीन्स की मदद ली गई. तो जब हमने जीन्स की मदद ली, जो टीजेड डॉब्स हैंस्की ने काम किया, उसको नियो डार्विनिज्म कहते हैं. म्यूटेशंस आर बिलीव टू हेल्प फॉर्म न्यू स्पीशीज. इट इनकॉर्पोरेट्स आइसोलेशन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवोल्यूशन. इट कैन एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ अनचेंज्ड फॉर्म्स ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स. ऑल ऑफ दीज. टीजेड डॉब्स हैंस्की वाला नियो डार्विनिज्म क्या कहलाता है मेरे बच्चों, बताओ प्लीज. अपना अपना एड्रेस भेज दो. आज तो मैम को भेजना पड़ेगा नींबू मिर्ची. बायोटोनियंस इतना अच्छा कर रहे हो. यस एवरीबडी. और गाइस आप, मैं आपके सामने टॉपर टॉक्स लेकर आना चाहती हूँ. हमारे बायोटोनियंस ने इस साल इतना अच्छा किया है, बट क्या करें, उनको सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड से भी बढ़िया कॉलेजेस मिलते जा रहे हैं. राइट एवरीबडी, राइट. तो आपको पता है महाराष्ट्र में एक जगह धुले, सुना आपने धुले करके, महाराष्ट्र में जनरल मेरिट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. अगर कोई धुले भूसावल के पास का बच्चा है वो जाके जस्सी को मिल सकता है. हमारे बच्चे जसमीत सिंह सेठी को अपग्रेड हो गया, ओमकार अपग्रेड हो गया है, श्रेयस अपग्रेड हो गया. तो ये सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस से और बेटर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते जा रहे हैं. एंड वी विल मेक श्योर दैट वी गेट ऑल दीज स्टूडेंट्स टू यू. नियो डार्विनिज्म वॉज गिवन बाय टीजेड डॉब्स हैंस्की, जहां उन्होंने कहा था दैट वी हैव टू टेक. देखो उन्होंने कहा कि ओवर प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से यू नो दे विल फाइट विद ईच अदर, जिसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा. बट ये कैरेक्टर्स किस में पास होंगे? हाउ आर द वेरिएशंस गोइंग टू बी पास? द वेरिएशंस आर गोइंग टू बी पास्ड इन द जीन्स. सो उन्होंने कहा म्यूटेशंस भी करवा सकती है. राइट एवरीबॉडी. इट इनकॉर्पोरेट्स आइसोलेशन, जेनेटिक आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, स्पीशीज आइसोलेशन एंड अनचेंज्ड फॉर्म्स. क्यों आ रहे हैं? बिकॉज देयर वर नो वेरिएशंस. आंसर इज ऑल द अबव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट एम्स का क्वेश्चन है. करेक्ट स्टेटमेंट्स चाहिए मुझे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? लायन एंड लेपर्ड शो कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन. क्रिप्टिक कलरेशन छुपने के लिए. क्रिप्ट ऑफ लिवर खून. क्या है क्रिप्ट ऑफ लिवर खून? क्रिप्ट ऑफ लिवर खून कुछ नहीं है, बट वो खड्डा है. क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, जहां पर सुकस एंटेरिकस सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, जिनको ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं. इस वर्ड को समझ लो, वरना आज तो मैं ना पिटाई कर दूंगी तुम लोगों की. तो ये इंटेस्टाइन के नीचे ये क्या होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड. क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून छुपा हुआ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लायन एंड लेपर्ड शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. एक बन गए, दोनों के पास यूनिकॉर्न की तरह विंग्स आ गए. लायन और लेपर्ड ने यूनिकॉर्न की तरह सींग लगा दिया. ऐसी पिटाई खाओगे ना. Natural selection is responsible for extinction of dinosaurs? No. Natural selection की वजह से extinct नहीं हुए. Nature तो select करता है. Nature ने उसके बाद shrew mammals को select किया. Right? Homo habilis, Homo erectus are closely related? No. Homo habilis handyman था. Homo erectus not at all closely. Cryptic Biston Bitularia. बेटा पहले वो ब्लैक कलर, पहले वो व्हाइट कलर का था, लाइकन पे छुप जाता था. फिर वो ब्लैक कलर का हुआ, सूट डिपोजिशन हो गई कार्बन एरिया के अंदर. सूट डिपोजिशन होने पे लाइकन मर गई, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ गया, जो ट्री का ट्रंक था वो काला हो गया. क्रिप्ट, क्रिप्ट हिडन, हिडन नेचुरल सिलेक्ट, हिडन छुप रहा था. पहले क्रीम वाला छुप रहा था, बाद में ब्लैक वाला छुप रहा था. येस और नो? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. नो अम्मा शर्मा जी, डिड यू गेट इट? यस, गुड. चलिए अगले सवाल पे. फिजिक्स को इंप्रूव कर दो वानी मैम पे. बायो पूरी छोड़ दो. क्या बॉटनी, क्या जुआलॉजी? क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन प्लीज. चलो चलो चुनबुनोस. एम्स का एक और क्वेश्चन आ गया. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस डज नॉट फेवर द लैमार्कियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स? एब्सेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स. ये तो फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ. चलो चलो चलो. मेलेनाइजेशन इन पेपर मॉथ, प्रेजेंस ऑफ वेब टोन एक्वेटिक एनिमल्स, मैंने पढ़ाया है आपको. लैक ऑफ पिगमेंट इन केव ड्वेलिंग एनिमल्स. सैलमेंडर व्हाइट कलर की हो जाती है. ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. कम ऑन एवरी वन, 5 सेकेंड्स रिमेनिंग.
रंजीत कौर जी, व्हाट्सएप डूड्स, ये क्या नाम हो, व्हाट्सएप डूड्स। अवध्युता पूजा, वेल डन बेटा। यूज एंड मिसयूज बोला था लेमार्क ने, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, फिलोसॉफिक जूलॉजिक बुक लिखी थी, फ्रेंच है, फ्रेंच लोगों के नाम ऐसे होते हैं। अगर मैं फ्रेंच होती तो मेरा नाम होता वानिश टिशिक ऐसे कुछ नाम। यस, ये जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, फ्रेंच लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। तो एबसेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स, क्योंकि जो लिम्स है वो क्रीप, स्नेक्स है वो क्रीप करने लगे, क्रॉल करने लगे, तो उन्होंने अपने लिम्स का यूज कम कर दिया, तो इसीलिए एब्सेंस ऑफ लिम्स हो गया। यूज एंड डिसयूज की तो बात चल रही है, नहीं हुआ। प्रेजेंस ऑफ वेब, एक्वेटिक एनिमल्स को पानी में, पानी को पुश करने के लिए उनके फीट के बीच में के गैप से तो पानी निकल जाता था, तो उन्होंने वेब्ड फीट शुरू कर दिए, तो वेब्ड इज करेक्ट। लैक ऑफ पिगमेंट, सैलेमेंडर एक केव में रहती है क्योंकि वो एक्सपोज ही नहीं होती सन को, वो व्हाइट कलर की सैलेमेंडर होगी, मैं कभी आपको फोटो दिखाऊंगी, वो व्हाइट कलर। बेटा मेलनाइजेशन इज नेचुरल सिलेक्शन, ये लेमार्क कहां आ गया बीच में नेचुरल सिलेक्शन के, अभी तो पढ़ा है। यस, वाली नाम ही अच्छा है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट 10 क्वेश्चंस, लेट्स सी हु इज गोना बी द लीडर बोर्ड टॉपर। एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंसेस्टर हु एट ओनली फ्रूट्स एंड हंटेड विद स्टोन वेपन्स। चलो, रामापेथिकस, सॉरी अबाउट द फॉन्ट, वेरी सॉरी। ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ड्रायोपेथिकस, होमो इरेक्टस, ऑन योर स्क्रीन्स, ऑन योर स्क्रीन्स। एक्सटिंक्ट फ्रूट्स खाता था, बहुत बढ़िया। चुनो मनोज, यू गॉट टू डू वेल, यू गॉट टू डू वेल, यू गॉट टू डू वेल, एंड यू हैव टू रेज योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू द सेम स्टैंडर्ड एज योर बायोलॉजी। यू हैव टू रेज योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू द सेम स्टैंडर्ड एज योर बायोलॉजी, वेल डन। रामापेथिकस वॉज वेरी ओल्ड नाउन, ड्रायोपेथिकस होमो इरेक्टस, बेटा एंड हंटेड विद स्टोन वेपन्स। रामापेथिकस ने कहां से स्टोन वेपन बना दिए, it is australopithecus, I will do that Aditya right after the class, only one wrong today Devyanshu, brilliant, chale ek bhi galti nahi karni abhi, aage badho, main aaj sabke telegram answer kar dungi, 2015 mein bhi aims ka question hai, reptilian, abhe, to kitna easy hai, lycanops, archaeopteryx, ichthyornis, hesperornis, easy question, आर्कियोपेट्रिक्स। आर्कियोपेट्रिक्स के बीक में टीथ थे और विंग्स में क्लॉज थे, सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था हक्सली, जूलियन हक्सली। जूलियन हक्सली ने आर्कियोपेट्रिक्स को ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स कहा। इज दैट क्लियर? बेटा मैं क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी, पर बच्चों दिसंबर और जनवरी और फरवरी में खूब जी जान लगा के फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छा कर लो। बच्चों याद रखोगे कि वानी मैम थी और वानी मैम ने बताया था। जो ये जस्सी है ना, ये जस्सी भी हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लिया था, इसने बहुत फर्क पड़ता है बच्चों अगर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी होगी। आज ही क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो प्लीज, मेक श्योर। हो सकता है मैं क्रिसमस टाइम पे आपके लिए कुछ और अच्छे ऑफर्स लाऊं, बट एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बॉम्ब टिक कर रहा है, इन एक्शन मत लीजिए, मैं आपको यहां पढ़ा रही हूं, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन कीजिए, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 17। मेरे घर में टीवी नहीं है, मेरा बड़ा मन कर रहा है करोड़पति देखने का। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। Please, this is an easy question. Homo erectus, Australopithecus, Neanderthal man, Cro-Magnon man, modern man. Australopithecus, Homo erectus, Neanderthal man, Cro-Magnon man, modern man. Neanderthal, Australopithecus, Cro-Magnon, erectus, modern. Australopithecus, Neanderthal, Cro-Magnon, Homo erectus, modern man. B. Chunno munno B hai ki C hai? Galti nahi karte. सी है फैजिया, सुचंद्रा, जन्वी, अवध्युता, नेहा। बी है ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो इरेक्टस, नियांड्रथल, क्रोमैग्नॉन एंड योर फाइनली मॉडर्न मैन। ठीक है, चले सहीना जी, शिफा जी, पायल जी, नए क्वेश्चन पे ऑन योर स्क्रीन्स, बढ़ चले। चलिए, कहां गया हमारा रिमोट कंट्रोल? वाह,
ये रहा, चलो लेट्स मूव ऑन. ये रहा हमारा 18th नंबर, लास्ट 6 क्वेश्चंस. डॉक्यूमेंटेड माइक्रो फॉसिल्स, पैलिनोलॉजी, पोलर फॉसिल्स, माइक्रो फॉसिल्स कितने ओल्ड है? 1.5 बिलियन ईयर्स, 3.5 बिलियन ईयर्स, 2.5 बिलियन ईयर्स. माइक्रो फॉसिल्स पोलर ग्रेन जिनकी स्टडी को पैलिनोलॉजी कहते हैं वो भी माइक्रो फॉसिल्स हैं. कितने पुराने? कार्बन 14 डेटिंग से, राइट? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड से हमारे को डेट ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स पता चलती है. कितने पुराने हैं मेरे पास माइक्रो फॉसिल्स बताओ? कैसे हुआ 2.5 नहीं, इट इज 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. यस, अगर हमें पता चले कि 3.5 बिलियन, कितने लोग रेडी हो जाएंगे? यस, अगर मैंने टाइम मशीन बनाई कहां चलेंगे? मुझे तो जाना है अकबर के कोर्ट में बीरबल को देखने. कैसे अकबर बीरबल की चुटकुले होते थे. यस एवरीबॉडी, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए आप कहां जाना चाहोगे? मी मी मी, वहां जाके क्या करेंगे? उनको बोलेंगे नीट एग्जाम की तैयारी शुरू करो. यस एवरीबॉडी, चलिए. यस, आज के कमेंट सेक्शन में वैसे लिख दो, अगर टाइम मशीन बन गई तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे? वैसे मेरे पास एक और ऑप्शन है, अगर मेरे को टाइम मशीन मिल गई ना तो मैं उस जेल में जाऊंगी जहां भगत सिंह को फांसी दे रहे थे और वहां पे सुरंग बना के उनको रिलीज करवा दूंगी. हाउ कूल है ना? नाइस. चलिए क्वेश्चन नंबर 19. फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विच वन मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ डिसरप्टिव सिलेक्शन? डिसरप्टिव दो अलग अलग होंगे. स्टेबिलाइजिंग बीच वाला आएगा, डायरेक्शनल एक साइड. इंडस्ट्रियल मेलनिज्म इन पेपर मॉथ. पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाइज दैट आर आइदर ऑल येलो और ऑल ब्लू. Population of rabbits that evolved more body fat in response to cold climate. Population of wrens, birds, that evolved to be smaller at sexual maturity due to predation pressure. Very tall and very short pine trees being removed from a population by herbivore. बड़ा अच्छा question है. Right everybody? B. बेटा देखो जो जो बच्चों ने last वाला option किया है, अगर वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल पाइन ट्रीज को रिमूव कर दिया, वेरी शॉर्ट को रिमूव कर दिया, वेरी टॉल को रिमूव कर दिया, तो ये तो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन हो जाएगी ना, ये तो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन हो जाएगी. तो आपकी डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होती है बेटा? एक सिलेक्शन होती है जो आपकी, अगर ऐसा है ना तो इट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन. देखो इधर को जा रहा है, या अगर ऐसा है तो इधर को आ रहा है ऐसे. इसको कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन. क्या कहते हैं? डायरेक्शन सिलेक्शन. अगर आपका ये बीच में जा रहा है ऐसा और दोनों एक्सट्रीम्स हट रहे हैं तो उसको कहते हैं आपका स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. और आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन जो पूछा गया है ये क्या होता है कि आपने दो एक्सट्रीम्स बना दिए और बीच में नहीं है. सो जब आप दो एक्सट्रीम्स बना देते हो दैट इज रेफर टू एज योर डिसरप्टिव सिलेक्शन. अगले सवाल पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए इतनी जल्दी. चलो फिर बच्चों लेट्स डू इट. द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज ऋतिक, नकुल, अनुराग, शीतल. वेलकम अनुराग विश्वकर्मा. मैं ये देखने जाऊंगी कि आपका एनर्जी लेवल कहां से इवॉल्व हुआ. वाह. The survival of the fittest, the struggle for existence, the reproductive success of the members of a population best adapted to change in the proportion of variation within a population. The best description of natural selection is the reproductive success of the members, not beta overproduction. जो जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा फिट है. ट्रिकी क्वेश्चन. जो जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा फिट है. ओवर प्रोडक्शन, यस और नो? मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी. कितने बच्चों को आया? ओ माय गॉड, शिट मैन. ओवर प्रोडक्शन, गॉट इट? This is the aim of doing these questions.
is the aim of doing these questions, is to make sure that you study. And guys, अरे ये क्या हो गया? ओके हम यहाँ हैं. प्रेजेंट तो मैं कर दूँगी. एग्जिट फुल स्क्रीन कर रही भाई मैं बात सभी. एग्जिट फुल स्क्रीन. हाँ यार ये चाहिए मुझे. जो मर्जी करो, आई वॉन्ट यू. इसको इसका इसका फोटो लगा लो अपनी दीवारों पे. मैं समझा देती हूँ व्हाई नॉट. आई वॉन्ट अ फोटोग्राफ ऑफ दिस ऑन योर वॉल्स. प्रॉमिस करो मुझे. बायोटोनियंस, इस साल अगर 100 बायोटोनियंस गए हैं, अगले साल मेरे 1000 बायोटोनियंस जाने चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में. यू हैव टू डू इट फॉर योर पेरेंट्स, यू हैव टू डू इट फॉर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू हैव टू डू इट फॉर एवरीबडी हु इज supporting you now. You have to go here, you have to promise me every day I'm bringing a brand new motivation for you, working on these slides for you. I want you to become limitless. छोड़ दो ये उदासी, ये आपको suit नहीं करती है. ये ऐसे biotonians नहीं है मेरे. मेरे biotonians limitless possibilities वाले हैं. This is my real biotonian. This is a child who's capable of doing anything. And ये बच्चा अब सोचेगा कि मेरी problem क्या है. मैंने आपको बता दिया, ये आपका vision है, ये आपका mission है, राइट right? यही बनना है, इस यहां तक रुकना नहीं है. एंड मेरा काम सिर्फ एक है कि आपको दिखा सकूं कि आपके अंदर पॉसिबिलिटी है. मैं आपको एक साल से पढ़ा रही हूं, डेढ़ साल से पढ़ा रही हूं, मुझे पता है आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी है. यू हैव टू राइज अप टू दैट पॉसिबिलिटी नाउ. ये मेरा काम है, वो फैसिलिटेशन का काम मेरा, आपको आईना दिखाना कि भाई अगर तेरी फिजिक्स वीक है ना, दिसंबर हो गया, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, 4 महीने बचे, उठ जाओ पढ़ ले फिजिक्स. 3 महीने 2 महीने बाद पछताने से कुछ नहीं होगा. अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत. अगर केमिस्ट्री वीक है तो लग जाओ आज से और बोलो अब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा. वानी मैम ने मेरी बायो की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. यस, माई ओनली वर्क इज, आई विश आई वॉज अ म्यूजिशियन, आई एम नॉट. माई वर्क इज टू अवेकन द पॉसिबिलिटी एंड आई सी दिस. From this, I will convert you into this. That's my promise to you. Promise, I will not break my promise. But you have to make sure, ye karne ke liye jo bhi karna hai, wo aap karoge. Jo bhi karna hai. Kya karna hai? I leave it to you. Jo marzi. But this is your possibility, guys. Ye karna hai. We have to do this. Bhale iske liye jo marzi karna pade, you have to promise me you will leave no stone unturned because every day is going by. Every single day. OP, next level OP, chaliye back to questions. And just to show you, in case you want ki mereko physics or chemistry koi kara le yaar, koi to mera haath pakad le physics chemistry ke liye, I can give you a chance to join the crash course with the code VDNEET. Choice is yours, choice is not mine, but the aim is to show you the path. That's my aim. अब मैं आपको बताती हूं इसमें से वन क्यों नहीं है. एंड वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द आउटकम, इट इज नॉट द डिस्क्रिप्शन. इट इज द आउटकम. कीर्ति, आउटकम है कि सर्वाइव करेगा. पहले क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन में ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, उसमें से बेस्ट नेचर चूज करेगा. करेक्ट एवरीबडी? 21st, 22nd, 23rd, 24th ऑन योर स्क्रीन. रिप्रोडक्शन आइसोलेशन इन सिंपैट्रिक एलोपैट्रिक. चलो मुझे पता था ये नहीं आएगा. बहुत अच्छी एमटीजी बुक बेटा. ये छाया लुकिंग फॉरवर्ड सिंपैट्रिक स्पीसिएशन क्या होती है? They live in the same geographical. Allopatric is different geographical. Same geographical में रह रहे हैं but अलग अलग evolve करते हैं. Their reproductive structures are different so that they cannot breed with each other. Right? Develops without geographical barriers. Sympatric एक ऐसी speciation है, लिखो इसको, जहां same species same geographical area में रहती है but over a period of time, same geographical area में रहती है but over a period of time ऐसे evolve करती है, उनके reproductive structures different हो जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से interbreed नहीं कर पाए. Is it clear? Develops without geographical barrier. Geographical barrier नहीं होता, वो एक ही जगह रह रही है but धीरे धीरे there are no physical barriers. वो मिलते हैं but because वो धीरे धीरे food source अलग हो जाता है, उनके उनका time of foraging hunting अलग हो जाता है, over a period of time reproductive structures का differentiation शुरू हो जाता है. Question number 22. Third last question. Do not have homologous organs.
हॉर्स एंड पैडल्स ऑफ विंग्स यूब्रोस रेडियस एल्ना कार्पल मेटाकार्पल फैलेंजेस विंग्स ऑफ मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच एंड माउथ पार्ट्स ऑफ बटरफ्लाई एक का स्पॉन्जिंग टाइप सकिंग टाइप एक का बाइटिंग टाइप बट क्या डिफरेंस है इनमें से कौन से होमोलोगस नहीं है बहुत इजी क्वेश्चन है इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज हमने ये दो तीन बार किया हुआ इट बिकम्स ऑल द मोर इजी वेरी नाइस बटरफ्लाईज एंड इंसेक्ट बर्ड्स डोंट मेक मिस्टेक्स अराउंड 200 ऑफ यू प्लस 250 ऑफ यू हैव मेड मिस्टेक्स डोंट मेक मिस्टेक्स बेटा हॉर्स एंड पैडल्स ऑफ व्हील्स तो मैंने अभी बताया यूब्रोस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फैलेंजेस सब में यही होगा भले वो हॉर्स हो चीता हो कैट हो व्हेल हो पेंगुइन हो राइट विंग्स ऑफ मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई इंसेक्ट्स है दोनों अपेंडेजेस है सेम होंगे कॉकरोच एंड बटरफ्लाई माउथ पार्ट्स का स्ट्रक्चर सेम है अलग अलग टाइप के फंक्शन कर रहे हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई अपेंडेजेस और बर्ड्स में इट इज अ फोर लिम्ब विच इज मॉडिफाइड राइट चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं मेरे बायोटोनियंस 23rd सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एंड इसके बाद का क्वेश्चन इज अ लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग फॉसिल्स मैंने आपको फॉसिल्स का एक स्पेशल लेक्चर लिया है भूलना मत सिर्फ फॉसिल्स का एक स्पेशल लेक्चर लिया जो मैंने आपको करवाया था ये इलेक्ट्रॉन्स में मैंने इसको इस वर्ड को आज क्लास में बोला भी है पोटेशियम आर्गन यूरेनियम लेड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस रेडियो कार्बन मेथड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR कार्बन 14 डेटिंग आफ्टर सर्टेन ईयर्स नहीं कर पाता लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेटरोजाइगस की पूछ रहे हैं कैपिटल ए 0.6 कितना इजी है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस ASP स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1 2PQ A is 0.6, small a is 0.4, capital A is 0.6, it is 2PQ. Shifa Future, Dr. Amulya, Anish Gadgil. Gayatri, 0.48, 2PQ, which brings us to the leaderboard. Apoorva Kartikeya will become a neurologist. Yuvika! Boss, Aradhana, Krish, Saima, Princy, Sumedha, Amog. Princy, I will send it to you. I promise you that. Krish, you too regular on me. Apoorva with 22,375 points. This is amazing. Amazing. Aaj ka question bada simple hai. Agar aapko time machine mil jaye, aap aur main kahan ghumne jayenge? You have to write it down in the comment section. I'll be waiting forward to listen to your marks. But guys, promise me, you will leave no stone unturned. आपकी मजबूरी आप समझते हो मैं नहीं समझती पर वो मजबूरी आपको मजबूर ना कर दे ये मैंने अभी बनाया बड़ा अच्छा वैसे इरशाद इरशाद करो आपकी मजबूरी आप समझते हो मैं नहीं समझती मैं तो सिर्फ बता सकती हूं रास्ता बट आपकी मजबूरी आपको मजबूर ना कर दे उसके लिए आज एक्शन लेना पड़ेगा वी विल हैव टू टेक एन एक्शन टुडे सो लेट नॉट योर You know, your circumstances dictate your future. Let's work hard for that. See you sharp at 5 o'clock for a super amazing lecture on biological classification. Make sure that you are liking, sharing, subscribing. Bye now.